Yes, sir, we are good to go. Thank you. Okay, okay. Should I start? Yes, please. Okay. Hello all. Today we'll see again a very important topic. आज मैं आपको पूरा जो रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड सर्विसेस है सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज के बारे में बोलता है. रिवर्स चार्ज में जो सर्विसेस नोटिफाइड है वो पूरी सर्विसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा. कुछ एडिशंस हुए, अमेंडमेंट्स भी हुए इसमें, तो आप ध्यान से सुनिए. एक क्वेश्चन रिवर्स चार्ज नोटिफाइड सर्विसेस पे पक्का आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देख, सो सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज के बारे में बोलता है और वहां पे बोला है सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज. तो ऐसी कौन सी सर्विसेज, हम पूरे लॉजिक के साथ समझेंगे कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में डाल के रखी है. जैसे आपको बताने की जरूरत नहीं, रिवर्स चार्ज मतलब जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी भरना है, रेसिपिएंट को, राइट. फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर भरता है. तो देखो, पहली सर्विस है सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. इससे पहले मैं ये नोट्स का फॉर्मेट आपको बता दूं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे गाइस. पहले पॉइंट में टाइटल है, मतलब सर्विसेज का नेम आएगा. दूसरे पॉइंट में प्रोविजन है, क्या प्रोविजन लॉ में दिया गया. देन सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रेसिपिएंट कौन है. तो हमारे लिए टाइटल काम का है, फिर मैं प्रोविजन तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, सप्लायर कौन है वो देखना है आपको, और रेसिपिएंट वो बंदा रहेगा जिसको जीएसटी भरना पड़ेगा. इसलिए नीचे लिखा है लायबल टू पे द टैक्स, मतलब लास्ट वाले कॉलम में जो रहेगा वो पर्सन टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा. तो देखो, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. देखो क्या होता है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय रोड जो गुड्स ट्रांसफर करती है, मान के चलो सनी देवल है ना, गदर में देखा होगा आपने, राइट. तो देखो वो ट्रक चला रहा है, मान के चलो सनी देवल, और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस दे रहा है. गवर्नमेंट ने बोला अगर वो, देखो मैंने रेड पेन से नीचे लिखे, ये 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को सर्विस देता है. 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, तो कौन से, देखो ऐसा पर्सन जिसके पास फैक्ट्री है, जिसकी फैक्ट्री है, सोसाइटी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. अगर ये 7 कैटेगरी को जीटीए सर्विस दे रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस दे रहा है, तो फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज आ जाएगा. तो देखो आपको रेसिपिएंट के कॉलम में दिया गाइस, एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अ पार्टनरशिप फर्म एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ये 7 लोगों को अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला सर्विस दे रहा है तो फिर रिवर्स चार्ज आएगा, मतलब ये 7 कैटेगरीज वाले लोगों को जीएसटी भरना पड़ेगा. रिमेंबर गाइज, इनके अलावा अगर किसी को जीटीए सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप जीटीए की सर्विस यूज कर रहे हो क्योंकि आपका तबादला हो गया और आपको घर के बर्तन भांडे जो है ना, जो सब सामान है घर का, वो ट्रांसफर करना है कोई दूसरे सिटी में या कोई दूसरे स्टेट में. मान के चलो आप रहते हो मुंबई में एंड यू वांट टू ट्रांसफर इट नाउ टू पटना. सो उसके लिए आपने ये जीटीए की सर्विस ली, ये सनी देओल की सर्विस ली, तो बताओ क्या आप बींग इंडिविजुअल 7 कैटेगरी में फंस रहे हो? ना ही आपकी फैक्ट्री है, ना ही आपकी आप सोसाइटी हो, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 7 कैटेगरी में आप नहीं है. तो फिर अब यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, मतलब जीएसटी जीटीए को भरना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर ये 7 कैटेगरी को, 7 कैटेगरीज को जीटीए सर्विस दे रहा है तो ही यहाँ पे रिवर्स चार्ज आएगा. तो मैंने आपको देखो पेन से लिख के भी दिया है वहां पे, अगर जीटीए अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है, इनको ये 7 कैटेगरी वाले लोग है, इनको स्पेसिफाइड सर्विस, स्पेसिफाइड पर्सन भी बोलते हैं, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा जीटीए सर्विस दे रहा है किसी को, तो ये फिर आएगा फॉरवर्ड चार्ज में, राइट. आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये सर्विस जीटीए की रिवर्स चार्ज में क्यों डाली थी सर? तो देखो ये सर्विस जब सर्विस टैक्स में भी थी, सर्विस टैक्स जब 1994 में बना था तब सर्विस टैक्स में भी ये सर्विस को लाया गया था, और तब भी ये सर्विस जब लाई गई थी तब रिवर्स चार्ज में ही थी. इसका रीजन ये था कि जब पहली बार ये सर्विस सर्विस टैक्स के दायरे में टैक्सेबल करने का सोचा और सर्विस प्रोवाइडर मतलब जीटीए के ऊपर टैक्स लगाया, तो ये पूरे जीटीए मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ने गाइस स्ट्राइक कर लिया, राइट.
पूरा इंडिया ठप हो गया था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा थमसा गया था। गवर्नमेंट को एक स्टेप बैक आना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम था कि ये जो जीटीए की सर्विस है ये बहुत मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसका बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, रेसिपिएंट के ऊपर, टैक्स रेसिपिएंट को भरना पड़ेगा। तो जो सर्विस टैक्स में प्रोविजन था वही जीएसटी में कंटिन्यू किया और अभी भी इसको रिवर्स चार्ज में डाल के रखा है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस। देन कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एडवोकेट बाय अ बिजनेस एंटिटी। तो देखो यहाँ पे प्रोवाइडर के कॉलम में आओ, थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है गाइज एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट, राइट। सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन अपन एग्जेम्पशन चैप्टर जो है उसमें देखेंगे, अभी तो इतना ध्यान रखो कि एडवोकेट, सबसे पहली बात ये समझ लो कि एडवोकेट पे गवर्नमेंट ने कोई, मतलब एडवोकेट जो भी सर्विस देगा, लॉयर जो भी सर्विस देगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है गाइज। देखो सीए के सर्विस पे है, सीएस की है, सीएमए के, लेकिन एडवोकेट लोगों के, लॉयर लोगों के सर्विसेज पे कोई जीएसटी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ये सर्विस लॉयर कोई पर्सनल पर्पज के लिए, मतलब अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए देता है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, ओपन एग्जम्पशन में देखेंगे। मतलब क्या सर, अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए, मतलब लॉयर कैसे सर्विस देगा। एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि कोई मियां बीवी का झगड़ा हो गया है ना, और वो कोर्ट में गए, तो ये डिवोर्स केस के लिए जो लॉयर सर्विस दे रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। कोई जीएसटी नहीं है तो रिवर्स चार्ज में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर ये लॉयर बिजनेस एंटिटी को टर्नओवर दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, लॉयर गिविंग द सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख, जिसका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है, फिर वो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो जैसे रिलायंस, राइट, रिलायंस को अगर कोई लॉयर ने सर्विस दी है ना, एडवोकेट ने रिलायंस को कोई सर्विस दी, या एडी क्लासेस को रिलायंस ने कोई सर्विस दी, हमारा टर्नओवर ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी जो रहेगा लाइक रिलायंस और एडी क्लासेस, इनको जीएसटी भरना पड़ेगा क्योंकि वी आर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लॉयर हमेशा याद रखना, एडवोकेट को कभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रहेगा, जो सर्विस लेगा उसे जीएसटी भरना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, क्योंकि अदर देन बिजनेस एंटिटी की सर्विस जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है अगर वो लॉयर से ली जाती है। देन थर्ड, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सेम कॉपी पेस्ट, जैसे मैंने आपको एडवोकेट का बताया सेम सर्विस, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो फिर उसके ऊपर बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल फॉरवर्ड चार्ज में कभी भी जीएसटी। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है, जहां पे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है, स्पीडी डिस्पोजल। ओके, फोर्थ वन, स्पॉन्सरशिप सर्विस। गाइस देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, लोग ये सर्विस में सप्लायर और रेसिपिएंट को पहचान ही नहीं पाते। सबसे पहले तो आप ये समझ लो गाइस कि रेसिपिएंट कौन होता है। देखो जैसे मैंने आपको मेरे क्लासेस बेचे, और आप कौन हुए, रेसिपिएंट, मैं कौन हुआ, सप्लायर। हमेशा रेसिपिएंट वो होता है जो फीस का पेमेंट करता है, जैसे आप मुझे पेमेंट कर रहे हो मतलब आप रेसिपिएंट हो गए। ओके, और जिसे पैसा मिलता है वो सप्लायर हो गया। नाउ आई गिव यू द एग्जाम्पल पहले, है ना। तो देखो एग्जाम्पल स्पॉन्सरशिप सर्विस का, मान के चलो मैंने क्या किया, एडी क्लासेस ने अपनी एड आईपीएल में लगाई है ना, आईपीएल ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी, आईपीएल जो है आईपीएल में मैचेस चल रहे, तो मान के चलो मैंने मेरी एड एडी क्लासेस की आईपीएल में लगाई, तो बताओ यहाँ पे प्रोवाइडर कौन और रेसिपिएंट कौन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो ध्यान, मैं आई एम द रेसिपिएंट पर्सन, क्यों गाइस, क्योंकि मुझे, मैं मेरा प्रमोशन कर रहा हूँ आईपीएल के मैचेस में, तो मैं जो मेरी एड कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आईपीएल को पैसा देना। मैंने अभी बताया जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट, मतलब आईपीएल मुझे सर्विस दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर रेसिपिएंट, ध्यान से सुनना, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज आएगा। ध्यान से सुनना, रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं मैं, सप्लायर की नहीं। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज आएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एडी क्लासेस, मान के चलो एडी क्लासेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रिसीविंग द सर्विसेज फ्रॉम आईपीएल, है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एडी क्लासेस बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, और एडी क्लासेस ने आईपीएल से सर्विस ली, तो जीएसटी की लाइबिलिटी एडी क्लासेस पे आएगी। ओके,
बट अगर एडी क्लासेस पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कोई है तो फिर उसको फॉरवर्ड चार्ज में किसे टैक्स भरना पड़ेगा? आईपीएल जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट सर्विस, फिफ्थ वन, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे सप्लायर कौन है? देखो थर्ड कॉलम में देखो, सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको समझता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते। अगर ये कोई सर्विस दे रहे बिजनेस एंटिटी को तो फिर बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना है। तो ये कौन सी सर्विस नोटिफाई की है? देखो ये पूरे सर्विसेज के लिए, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को, एनी सर्विस इफ दीज पीपल आर गिविंग टू बिजनेस एंटिटी, इट वुड कम अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना, एक्सेप्ट दो सर्विसेस है गाइस, दो। तो ये कौन सी दो है? पहली तो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा, देखो हमारे नागपुर में रेलवे स्टेशन के सामने बहुत सारे ऐसे शॉप्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के ओन्ड है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओन्ड है ना। अब क्या होता है कि ये शॉप्स को हमारे यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किराए पे दिया, रेंट पे दिया, राइट? तो किसने किसको सर्विस दी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जिसके जो जिसने किराए पे शॉप लिया। तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। मतलब जीएसटी किसे भरना पड़ेगा गाइस? वो बिजनेस एंटिटी को भरना पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो फिर इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा फॉरवर्ड चार्ज। अगर ये दो सर्विसेस है तो इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, बाकी सब पे रिवर्स चार्ज है। मतलब अगर ये गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी रेंटिंग की, तो इसके ऊपर जीएसटी किसे भरना पड़ेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ओके, इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिए, जैसे एग्जांपल वहां पे दिया। देखो स्पेसिफाइड सर्विस में पहला तो देखो क्या दिया, सर्विस प्रोविजन में पढ़ना, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या? नीचे दिए गए दो सर्विसेज पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, मतलब गवर्नमेंट भरेगा। तो पहली कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया, और दूसरा सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। कौन सी सर्विसेज है? देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो आप आपका एग्जाम फॉर्म पोस्ट करने जाते हो या फिर किसी को कोई लेटर लिखा है वो आप स्पीड पोस्ट करने जाते हो, राइट? तो देखो वो स्पीड पोस्ट की जो चिट्ठी रहती है, रसीद रहती है, उसके ऊपर देखना 50 रुपीज है ना, 50 रुपीज का मान के चलो। अब उसके ऊपर जीएसटी भी लगा है। तो देखो अगर ये सर्विस रिवर्स चार्ज में होती, अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो अगर मान के चलो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज होता तो फिर जीएसटी हमें भरना पड़ता था। बट ऐसा है कि हमने कोई स्पीड पोस्ट किया, आपने कभी देखा ऐसे कि आपने स्पीड पोस्ट किया और जीएसटी आपको भरना पड़ा? ऑफकोर्स नॉट, आपको जीएसटी नहीं भरना है। मतलब इसके ऊपर कौन जीएसटी भरता है? गवर्नमेंट ही जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में भरता है, राइट? इसके अलावा सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, वेसल, इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्स ऑफ एयरपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। जैसे एग्जाम्पल रेलवेज, आप रेलवे में ट्रेवल करते हो, रेलवे में एसी फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है, राइट? तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस पे आपने ऐसा कभी देखा है कि आपने टिकट निकाली और जीएसटी आपको भरना पड़ता है? ऐसा नहीं होता। रिवर्स चार्ज में यहाँ पे जीएसटी नहीं है, यहाँ पे रेलवेज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरती है, राइट? तो ये जो तीन सर्विसेस है, स्पेसिफाइड वाली और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस, इसके ऊपर जीएसटी किसे भरना पड़ेगा? जीएसटी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में भरना पड़ेगा। ध्यान दो, ये दो ही सर्विसेज को फॉरवर्ड चार्ज में, एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ये स्पेसिफाइड सर्विसेज जो मैंने बताई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली, और एयरक्राफ्ट प्रिसिंक्स के बाहर या फिर अंदर, ये जो सर्विस है इसके ऊपर जो सर्विस दी जाएंगी उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी भरना। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट, जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी से रिलेटेड है। देखो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, मैंने डायग्राम निकाल के दी आपको। जो हमने देखा कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सर्विस है उसके ऊपर किसे जीएसटी भरना है गाइस? उसके ऊपर जीएसटी भरना है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में, बराबर? बट देखो
यहाँ पे वो सर्विस में बोला है गाइस कि तभी फॉरवर्ड चार्ज आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तभी जीएसटी भरना पड़ेगा अगर ये सर्विस यूआरडी पर्सन को दिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए, अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को दिए तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है। बट अगर ये रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, ऐसी बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर यहाँ पे फिर से रिवर्स चार्ज आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर ये सर्विस रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी जो हम देख के आए, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू यूआरडी देन ओनली इट इज कवर्ड बाय फॉरवर्ड चार्ज, इफ दैट इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी हु इज रजिस्टर्ड देन दैट विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके गाइस, देन नेक्स्ट, सर्विसेज फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपने डायरेक्टर से सर्विस लेता है, अपने डायरेक्टर से, फॉर एग्जाम्पल बताओ मुकेश अंबानी सर्विस दे रहे रिलायंस को, तो बताओ किस पे जीएसटी भरना पड़ेगा? रिलायंस को। गलत गाइस, ध्यान से सुनना, ये जीएसटी रिलायंस को नहीं भर, सर अभी तो आपने यही पढ़ा है। यस करेक्ट, बट देखो मुकेश अंबानी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या बेटा? ही इज एम्प्लॉय ऑफ द रिलायंस, और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप जीएसटी में कवर नहीं होती। मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रोफेशनल डायरेक्टर है, वो अगर सर्विस दे रहे बॉडी कॉर्पोरेट को तो ही जीएसटी आएगा। समझ में आया आपको? तो अगर वो लोग सर्विस दे रहे कंपनी को तो फिर जीएसटी रिवर्स चार्ज में आएगा, मतलब कंपनी को। जैसे एग्जाम्पल, आई एम नॉन एग्जीक्यूटिव यार प्रोफेशनल डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, और मैं जो रिलायंस को सब सर्विस दूंगा उसके ऊपर रिलायंस को जीएसटी भरना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है तो देर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड हेंस देर इज नो रिवर्स चार्ज, बिकॉज एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप जीएसटी में कवर्ड नहीं होता। देन नेक्स्ट, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लिसन, अब क्या होता है, देखो क्यों लाया गवर्नमेंट? अब देखो इंश्योरेंस एजेंट एक गली गली में रहते हैं, आपने देखा होगा हर गली में एक दो एजेंट एजेंट इंश्योरेंस से इंश्योरेंस के आपको दिखेंगे, है ना। वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, साहब आप इंश्योरेंस करवा लो, आप कल मर जाओगे। फिर दूसरा मिलता, अरे साहब आप परसों मर गए तो आप इंश्योरेंस करवा लो, है ना। तो ये जो इंश्योरेंस एजेंट रहते हैं, ये बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है और रेसिपिएंट कौन है बताओ? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते। देखो यहाँ प्रोवाइडर जो है वो एजेंट ही है, लेकिन वो किसको सर्विस दे रहे गाइस? वो आपको सर्विस नहीं दे रहे, वो सर्विस दे रहे इंश्योरेंस कंपनी को। क्योंकि देखो इनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो कमीशन मिलता है इंश्योरेंस का, वो किससे मिलता है? इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। अरे समझ में आया आपको? तो इसलिए रेसिपिएंट हो गई इंश्योरेंस कंपनी और प्रोवाइडर हो गए ये सब एजेंट्स। तो इफ एजेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी की गवर्नमेंट ने गर्दन पकड़ ली और बोला कि अब आपको जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज में, इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया? क्योंकि देखो ये एजेंट तो बहुत सारा है गाइस, ये एजेंट को, हर एक एजेंट को पकड़ना गवर्नमेंट को मुश्किल है, इसलिए उन्होंने किसकी गर्दन पकड़ ली? इंश्योरेंस कंपनी तो एक है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके बहुत सारे एजेंट है, बट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तो एक ही है। तो इन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। कमिंग टू नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ये क्या होता है? बहुत सारे लोग लोन ले लेते बैंक से, और फिर बैंक का लोन रिपे नहीं करते, तो बैंक क्या करती है, इन रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करती है। और ये रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करके बैंक बोलती है कि जाओ और इनसे पैसा वसूल करके लाओ, और उसके बदले में रिकवरी एजेंट को बैंक पैसे, मान के चलो SBI ने रिकवरी एजेंट, ये हट्टे कट्टे लोग रहते हैं ना, अच्छे खासे लोग रहते हैं, ताकि इनसे ये लोग जाते और उनसे डरा धमका के पैसा वसूल करके लाते, है ना। तो SBI ने कोई रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट किए। अब ये रिकवरी एजेंट्स जो है वो बैंक को सर्विस दे रहे, बिकॉज SBI इज पेइंग टू देम, राइट। तो देखो ये रिकवरी एजेंट्स तो बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनको छोड़ दिया और बैंक को पकड़ लिया और बोला कि बैंक को जीएसटी भरना पड़ेगा, हम रिकवरी एजेंट से जीएसटी वसूल नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो देखो इंपोर्टर इज अ पर्सन, मान के चलो कि जापान में कोई जॉन, मिस्टर जॉन है, उसने गुड्स भेजा बाय वेसल से और हमारा इंपोर्टर इधर है,
तो इंडियन गवर्नमेंट जॉन को थोड़ी ना पकड़ेगी, इज अ सप्लायर ऑफ द गुड्स, बट गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम इंडियन इम्पोर्टर से जीएसटी वसूल करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जीएसटी इंडियन इम्पोर्टर को भरना पड़ेगा। देन ए सर्विस, ये ऑलरेडी देख चुके अपन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। गाइज दो जगह ये सर्विसेज पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना है। नंबर वन, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेडियो टैक्सी और अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, राइट, जैसे एग्जांपल ओला उबर है ना, ओला उबर दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म्स। तो ये प्लेटफॉर्म्स पे कोई मान के चलो ड्राइवर है ना, जैसे अपन क्या करते हैं, हमारे पास ऐप रहते हैं, ईसीओ के ऐप रहते, राइट, तो ये ओला उबर के ऐप से हम लोग गाड़ियों को बुक करते हैं, है ना। तो अब देखो कि ये जो गाड़ी हम लोगों ने बुक किया तो ये सर्विस, ये सर्विस आपको मालूम है कि इसने किसको दी, ड्राइवर इज गिविंग द सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, हमसे पैसा वसूल करता है और फिर वो पैसा वो ड्राइवर को देता है, राइट। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला ये जो सर्विस है पर्टिकुलर, ये सर्विस टैक्सी ड्राइवर और रेंट ऑफ रेंट कैब ऑपरेटर, ये जो सर्विस है, अगर ये सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ को टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब वो ओला उबर वाले जो है उनको टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। सिंपल, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट सर्विस, अगेन वैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर आरबीआई को सर्विस दे रहे तो इसके ऊपर आरबीआई को जीएसटी भरना है। देन नेक्स्ट, सर्विसेस रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसएज रहते हैं। देखो ये क्या होता है कि जैसा आपको लोन लेना है, या बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नीडी रहते हैं लोन लेने के लिए, राइट, बट देखो ये बैंक तक पहुंच नहीं पाते, तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये डीएसएज अपॉइंट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अपॉइंट करता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अपॉइंट करके गवर्नमेंट इनको बोलता है कि आप एक काम करो, ये जो भी लोगों को लोन की जरूरत है उनको लाओ, और वो पूरे पेपर्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसएस क्या करते हैं, उनके पूरे पेपर जमा करना, सब कुछ फॉर्मेलिटी करना और बैंक को फाइल प्रोवाइड करना, और फिर बैंक उनको लोन देती है। तो देखो यहाँ डीएसएस क्या कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आर गिविंग सर्विसेज टू बैंक और बैंक उसके बदले में उनको कमीशन देता है, तो जितने भी रुपए का लोन है उसका 1% या 0.5% बैंक ये डीएसएस को कमीशन देता है। तो यहाँ पे डीएसएस आर गिविंग सर्विसेज टू बैंक, बैंक इज रेसिपियंट ऑफ सर्विस, तो इस केस में बैंक को जीएसटी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला ये डीएसएस को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि डीएसएस तो बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात गाइज ये डीएसएस 20 लाख तक का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर पाएंगे, तो इसलिए क्योंकि ये डीएसएस का टर्नओवर इतना नहीं होगा, तो डीएसएस को छोड़ दिया गवर्नमेंट ने और बैंक को बोला कि आप ही को जीएसटी भरना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मुझे लगता है इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आएगा, कॉपीराइट सर्विस। पहले ये जो कॉपीराइट सर्विस थी ये कॉपीराइट सर्विस एक ही थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो इसको दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो कॉपीराइट, पहली जो सर्विस है कॉपीराइट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, जैसे देखो एआर रहमान या विशाल ददलानी, ये सब लोग जो है दीज आर म्यूजिक कंपोजर्स लोग, और वो अपना कॉपीराइट देते म्यूजिक कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना गाने का कॉपीराइट दिया टी सीरीज को, राइट। तो देखो कौन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये एआर रहमान या म्यूजिक कंपोजर लोग जो है या फोटोग्राफर्स है, आर्टिस्ट लोग है, दीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू म्यूजिक कंपनी, मतलब टी सीरीज। तो यहाँ पे जीएसटी किसे भरना है, टी सीरीज को, अपना अपने गाने का कॉपीराइट या अपने आर्टिस्टिक का या फोटोग्राफ्स का कॉपीराइट ये सब लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर और लाइक इनको जीएसटी भरना पड़ेगा। दूसरी कॉपीराइट से रिलेटेड सर्विस है गाइस ऑथर की। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने मेरी बुक लिखी और ये बुक मैंने टैक्समैन को दी, ओके, टैक्समैन को पब्लिश करने के लिए, तो आई एम द ऑथर, और पब्लिशर को मैंने ये बुक दी, पब्लिशर, टैक्समैन इज अ पब्लिशर, राइट। तो इस पे जीएसटी किसे भरना पड़ेगा, पब्लिशर को, बिकॉज आई एम गिविंग अ कॉपीराइट ऑफ माई बुक, मतलब मैंने कॉपीराइट सर्विस दी मेरे बुक की पब्लिशर को, तो इसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा पब्लिशर को, ओके? लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट आया और उन्होंने क्या बोला कि अगर ऑथर, ध्यान से सुनना है अमेंडमेंट क्या है, जो ऊपर नहीं था, अगर ये कॉपीराइट सर्विसेज जो ऑथर से रिलेटेड है इसमें अगर ऑथर खुद रजिस्ट्रेशन ले रहा है ना, इफ ही हिमसेल्फ
took the registration, अगर author खुद registration लेता है GST में, तो फिर recipient को GST भरने की जरूरत नहीं है, अगर author खुद लेता है तो. लेकिन वहां बोला है कि उसने जो registration लेना चाहिए वो before commencement of financial year लेना चाहिए. ध्यान से सुनना, ये registration author को before commencement of financial year लेना चाहिए, और author को declaration देना पड़ेगा कि एक साल तक मैं ऐसे ही स्कीम में रहूंगा, मतलब एक साल तक मैं खुद ही जीएसटी भरूंगा. तो अगर बींग ऑथर आशीष इज गिविंग सर्विसेज टू पब्लिशर, पब्लिशर ऑफ अ बुक, और मैं बोलता हूं कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, और बोलूंगा कि एक साल तक अब मैं ही जीएसटी भरते रहूंगा, तो फिर रेसिपियंट को, मतलब पब्लिशर को, जीएसटी भरने की कोई जरूरत नहीं है. और उस केस में गाइज वहां पे पूरा लिखा है पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन. और ऐसे केस में गाइज जो रेसिपियंट है उसे मुझे जीएसटी INV-1 ये फॉर्म इश्यू करना पड़ेगा, जीएसटी INV-1. और ये फॉर्म जो पब्लिशर है, अगर डिपार्टमेंट वाले पब्लिशर के पास पहुंच गए तो ये फॉर्म ये पब्लिशर दिखाएगा कि देखो मेरे पास ये फॉर्म है, ऑथर ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया है कि जीएसटी इसके ऊपर कौन भरेगा, ऑथर भरेगा, इसके ऊपर मुझे जीएसटी भरने की लाइबिलिटी नहीं है. ओके गाइज, सो आई होप इतनी सर्विसेस आपको समझ गई होगी, बाकी सर्विसेस अपन अगले पार्ट में देखेंगे. गाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप रिवर्स चार्ज बहुत अच्छे से एग्जाम में करके जाइए. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैडम हैंडेड ओवर टू यू. थैंक यू. मैडम डन. ओके सर. यस थैंक यू सर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ द नेक्स्ट प्रोफेसर विल बी जॉइनिंग अस ऑन द सेम लिंक.